अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और एग्जाम्स के दिन एंजॉय करते होंगे। देखिए जी, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हाउ यू कैन डेवलप योर स्टडी स्किल। एग्जाम्स के दिन करीब हैं तो आप लोगों ने किस तरह अपने स्टडी को कंटिन्यूसली जारी रखना होता है, हाउ टू डेवलप अ स्टडी स्किल और अ स्टडी हैबिट। तो बेटा, सबसे जो ज़रूरी बात है स्टडी के हवाले से, स्टडी हैबिट डेवलप करने के हवाले से, सबसे पहले देखें आप लोगों ने एक काम करना है, और वो ये कि आपने कोई भी बुक हो उस वो आपने उठाया स्टडी के लिए, तो जस्ट रीड आउट उसकी जो है ना रीडिंग, एक पैराग्राफ है उसकी आप रीडिंग स्टार्ट करें। देखें तो दो तीन फिक्रे अटर करने के बाद, रीडिंग के बाद आप तक जाएंगे। डू नॉट बी बोर्ड। आप लोगों ने अगर स्टडी हैबिट डेवलप करना है तो डू नॉट बी बोर्ड, बोर नहीं होना है। देखें आप लोग बोर क्यों होते हैं? आप लोग बोर इसलिए होते हैं कि जो चीज़ आप रीड आउट कर रहे हो वो आपको जो है ना असल में वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो देखें, एक चीज़ आप अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप जो है ना रीड करें, और रीडिंग के बाद जो है ना वो अल्फाज अंडरलाइन करें जो आपको नहीं आते। देखें जस्ट वन सेंटेंस करें आप इस तरह, तो उस वन सेंटेंस को एक मरतबा आपने पढ़ा, समझ नहीं आया, यू आर गेटिंग बोर्ड, दूसरी मरतबा पढ़ने के बाद 5% आपका सेंटेंस के बारे में जो कंसेप्ट है वो 5% और पढ़ेगा, आप और फेमिलियर उसके साथ हो जाओगे। देखें उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी अल्फाज हैं, वो आप अंडरलाइन करें और जाके आराम से उसके मीनिंग ढूंढे, उसका कंसेप्ट ढूंढे कि ये चीज़ जो है ना ये है क्या। तो उसके बाद उसके मीनिंग के बाद आप थोड़ा सा उसको फिर एक मरतबा पढ़ें, ठीक है जी। यस इट विल टेक योर टाइम, ये आपका टाइम लेगा, बट वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू आर गेटिंग, एक अहम चीज़ जो आप जो है ना हासिल कर रहे हो वो ये कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप की जो स्टडी हैबिट है वो बनने जा रही है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू मस्ट डू व्हाइल डेवलप योर स्टडी स्किल्स और स्टडी हैबिट के हवाले से। एक और बहुत अहम बात के व्हाट यू आर रीडिंग, कि आप क्या पढ़ रहे हो, एंड व्हाई यू आर रीडिंग, और आप क्यों पढ़ रहे हो। तो जब भी आप स्टडी के लिए बैठो तो ये दो तीन चीज़ें जो है ना जहन में रखें कि व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाई यू आर रीडिंग। सो इंशाल्लाह आपका स्टडी जो हैबिट है वो भी डेवलप होगा, और आप जो है ना एक अच्छे और लर्न्ड इंसान बनोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर ऑन चैनल केमिस्ट्री विद मदसर।